हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कृष्ण। आई एम कंसल्टेंट ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड इन दिल्ली। आई प्रैक्टिस इन सेंट्रल दिल्ली एंड साउथ दिल्ली। एंड फॉर टेली कंसल्टेशंस आई एम अवेलेबल ऑन वेरियस एप्स लाइक टाटा वन, MG, हेल्थ प्लेक्स, कुल केयर, डॉक्टर्स एंड मेनी अदर। आई एम अवेलेबल ऑन मोर देन 20 एप्स फॉर टेली कंसल्टेशन। सो आज हम बात करेंगे, बहुत कॉमन इश्यू होता है स्पेशली ENT, ऑप्थैल और डर्मा की OPD में। पेशेंट्स काफ़ी आते हैं जो अपना केस कॉम्प्लिकेट कर चुके होते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है उनको कुछ बीमारी है, कान से रिलेटेड या आँख से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, पर वो उसको अपना प्राइमरी एडवाइस के लिए वो किसी आसपास के केमिस्ट के पास जाते हैं। और आजकल भारत में देखा गया है केमिस्ट में बी फार्मा लोग बैठते ही नहीं हैं, उनके नाम पे लाइसेंस मिल जाता है और कोई बैठता है, कोई ग्रेजुएट बैठता है, कोई 10वीं पास बैठता है, ऐसे लोग जिनको मतलब जो बस ये सीख ले हैं कि ऐसी बीमारी वैसी मेडिसिन, एंड वो भी काफ़ी मेडिसिन उल्टा पुल्टा देते हैं। तो ये चीज़ है। सो जो इसमें ये है कि आपको उनसे हेल्थ एडवाइस लोगे तो वो केस जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जब पर्दा कान बहना शुरू हुआ, पर्दे में छेद हो गया, फिर मरीज आता है हमारे पास, फिर तो ऑपरेशन ही इलाज है, टिम्पेनोप्लास्टी ही करना होता है उस केस में। सिमिलरली ऐसे आँख की भी बीमारी, स्किन में भी काफ़ी ख़राब कंडीशंस करके फिर मरीज आते हैं। तो मेरा आपसे एडवाइस है कि कभी भी हेल्थ एडवाइस के लिए किसी केमिस्ट के पास ना जाए, किसी बेशक आप MBBS डॉक्टर के पास जाइए, अगर आप स्पेशलिस्ट की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते वो आपको बेटर गाइड करेंगे। सो ऐसा ना हो कि एलोपैथी मेडिसिन में आप बिलीव करते हो, आप किसी आयुर्वेदा के पास जा रहे हो, वो भी सही नहीं है। आप अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन को फॉलो करते हो, उस पर विश्वास है आपका, आप आयुर्वेदा के पास दिखाइए, फिर आप मॉडर्न मेडिसिन में मत लीजिए कि आधा इधर ले आधा उधर इलाज ले, फिर वो मिक्सोपैथी इज़ डेंजरस बोथ फॉर सोसाइटी एज वेल एज पेशेंट। बिल्कुल कान में, जैसे कि मैं ENT हूँ तो मैं ENT रिलेटेड बात ही करूँगा कि होता क्या है, मरीज़ का कान बहता है, वो जाता है केमिस्ट के पास, केमिस्ट क्या देता है, उसको कोई ड्रॉप दे देगा। कई बार क्या होता है, वो फंगल इन्फेक्शन में ऐसी ड्रॉप देते हैं जो फंगल इन्फेक्शन और फ्लेयर अप कर लेती है, क्योंकि उन्होंने तो एंडोस्कोप जाल के देखा नहीं ना, उन्होंने तो ऑटोस्कोपी की नहीं ना मरीज़ की, कि पता चलेगा क्या है, फंगल डेब्रिज है, नॉर्मल डिस्चार्ज है, परफोरेटेड है, क्या है, कोलिस्टोटम ऑफ लेग्स वगैरह क्या है, कुछ उन्हें तो कुछ पता नहीं, उन्होंने बस एक बाय डिफॉल्ट ड्रॉप दे दिया। ये वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ की अब आपको जैसे कि कई बार क्या होता है, मरीज़ के कान में पेन है, वो जाता है तो वो क्या करता है, एक लोकल लिग्नोकेन का ड्रॉप आता है वो दे देता है, उससे दर्द गायब, लेकिन रीज़न थोड़ी वैक्स है या फिर परफोरेशन है या एक्यूट ऑटाइटिस मीडिया है, वो उसको नहीं देखा गया। तो मतलब इससे पेशेंट फिर कॉम्प्लिकेट करके हमारे पास आते हैं, और फिर पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस रहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि आपने जो आपको करना चाहिए उस कंडीशन आपने थोड़ी किया है। मुझे आशा है कि आप मेरी इन बातों का ध्यान दोगे और कभी भी अपनी प्राइमरी मेडिकल एडवाइस के लिए किसी केमिस्ट के पास ना जाए। देयर अगर आपको आप इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, कई बार होता है कि मरीज लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का होता है, इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑप्शंस दे रखी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट सेटअप है, टर्शरी केयर है, PHC CHC है, उस पर आप ऑलरेडी मतलब कि जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट केयर, प्राइवेट कॉरपोरेट केयर या प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए वो है, आप वहाँ जाइए, वहाँ प्राइमरी जो ओपिनियन है, एडवाइस है, उसको फॉलो करिए और कॉम्प्लिकेट होने से बचिए। धन्यवाद।